पहले आप देखना चाहो तो रजनीगंधा वन ऑफ द बेस्ट लोगों की चॉइस होती है। चंपा काफी मतलब देखा जाए तो पॉपुलर फ्रेग्रेंस ये आपको देखने को मिलेंगी। और केवड़ा भाई, केवड़ा तो भाई कड़क है, इसका कहना ही क्या। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके लिक्विड जो है देखने को मिल जाएंगी। सो फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने बजट सेगमेंट के बेस्ट 3 फ्लावर परफ्यूम्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है हमारा रजनीगंधा, सेकंड चंपा और थर्ड भाई देखने को मिलेगा आपको केवड़ा, फ्लावर किंग। जैसे पिछले वीडियोस में हमने 3 जो परफ्यूम्स हैं जिनके आपको अनबॉक्सिंग्स भी की हुई है और फ्रेग्रेंस के बारे में मैंने बताया है, जिसमें से चंदन, मोगरा और गुलाब 3 टाइप के 3 बेस्ट परफ्यूम्स थे, वो भी बजट में। इसी तरीके से आज का हमारा ये बेस्ट फ्लावर और बजट में ये बहुत अच्छा फ्लावर किंग फ्रेग्रेंस होने वाले हैं। सो फिर इसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे, इसके नोट्स के बारे में समझेंगे और इसके परफॉर्मेंस के भी बारे में भी बात करेंगे। और ये तीनों अपने सेगमेंट में एज अ मैं कहना चाहूँ तो फ्लावर किंग नोट्स है, सबको इसकी नीड रहती ही है। और अगरबत्ती में अगर आपका ब्रांडिंग है तो भाई फ्लावर नोट तो होना जरूरी है, नहीं तो फिर आपका ब्रांडिंग भी अधूरा कहलाएगा। तो सबसे पहले ज़्यादा समय खराब न करते हुए सबसे पहले आप देखना चाहो तो रजनीगंधा वन ऑफ द बेस्ट लोगों की चॉइस होती है। चंपा काफ़ी मतलब देखा जाए तो पॉपुलर फ्रेग्रेंस ये आपको देखने को मिलेंगी। और केवड़ा भाई, केवड़ा तो भाई कड़क है, इसका कहना ही क्या। तो सो फिर सबसे पहले हम करेंगे इस परफ्यूम के लिक्विड्स को इस बीकर में ट्रांसफर और फिर इसके फ्रेग्रेंस को समझने की कोशिश करेंगे, इसके नोट्स, डाइल्यूशन रेशियो और परफॉर्मेंस तीनों के बारे में भी बात करेंगे। अगर परफ्यूम्स में पूरी चीजें नहीं हुई तो फिर रिव्यू का मजा ही क्या। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ओपन करते हैं फटाफट से, काफी कड़क इसके आपको सील पैक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि कवर हो गया, ये लॉक हो गया और इसके अंदर भाई ये लीकेज ना हो उसके लिए लगी हुई है इसमें एक कैप। ये हो गए तीनों फ्रेग्रेंस के लिक्विड ओपन, मतलब ग्लास में हमने ट्रांसफर कर लिया है। अब फ्रेग्रेंस की बात आती है तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी टेस्टिंग जो कि ट्रायल बेस। सो फिर कुछ इस तरीके से हमारे ये रॉ स्टिक्स हैं। जब भी आप किसी भी तरीके से अगरबत्ती डीपिंग का प्रोसेस करें, एक अच्छा बेटर क्वालिटी की रॉ अगरबत्ती इसका होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आप ध्यान ज़रूर दें। और सबसे पहले हम जो है 2 स्टिक्स डीप कर लेते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में। रजनीगंधा एक फ्लावर सेगमेंट में काफ़ी अच्छा ये फ्रेग्रेंस होता है और लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं रजनीगंधा। आप देखा जाए तो एक फ्लावर में सबसे ज़्यादा पहचान दिलाने वाली फ्लावर्स में एक सबसे बड़ा नाम है रजनीगंधा, जो कि आपने पूजा पाठ में तो यूज़ होता ही है, फूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसी के साथ अपने आप में काफ़ी बेस्ट और पसंदीदा फ्रेग्रेंस होता है, फ्लावर भी होता है और फ्रेग्रेंस भी पसंदीदा होता ही है। तो सबसे पहले हम इसके नोट्स के बारे में समझते हैं। रजनीगंधा में और भी नोट्स आते हैं अलग अलग फ्रेग्रेंस, बट इसका क्या आपको चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जहाँ तक इसके नोट्स की बात है तो ये आपको एग्जैक्ट जो कि हमारा रजनीगंधा का जो फ्लावर होता है उसके नोट से मिलता जुलता ही मिलेगा, मतलब इसके टॉप नोट्स आपको पूरे के पूरे रजनीगंधे के रजनीगंधा का ही स्पर्श दिलाएगी, मतलब फ्रेग्रेंस एग्जैक्ट आएगा, बराबर ही आएगा। हाईलाइट का मतलब कि जब आप इसे प्रोसेस में लेंगे, जब डीप करेंगे और एग्जैक्ट आप इसे जलाएंगे तो भाई रजनीगंधा का जो एक्चुअल में फील है ना वो आपको देखने को मिलेगा। और लास्टिंग की भी मैं बात करूं तो लास्टिंग काफ़ी अच्छी आएंगी क्योंकि ये फ्रेग्रेंस जो है थोड़े से स्ट्रांग है फ्लावर सेगमेंट में। रजनीगंधा चाहे मैं चंपा की बात करूँ चाहे केवड़ा की, इसके फ्रेग्रेंस आपको अच्छे नोट्स में टॉप और मैं कहना चाहूँ तो बूस्टिंग देखने को मिलता ही है।
बात आती है इसकी लास्टिंग की, भाई कितने महीने तक ये लास्ट करेगी। देखो अगर प्रीमियम सेगमेंट में आप इसे बनाते हो, वैसे सजेस्टेड इसका रेशियो है 1:3:4 ही रखे हम, ज़्यादा कुछ हम कस्टमर को बढ़ा चढ़ा के बताने वाला काम नहीं करते, जो रियल है जो रियलिटी है उसके ऊपर ही बात करते हैं। तो 3:4 बेस्ट इसका रेशियो है। बाई द वे आप इसे और किसी पर्पज से यूज करें, बाई द वे लूजेज अगरबत्ती बनते हैं या मीडियम सेगमेंट में कम बजट में अगरबत्ती बनते हैं उसमें आप डाइल्यूशन आराम से ले सकते हैं, वो तो फिर अपने मर्जी 8-10 तक का भी आप तोड़। लिक्विड कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। फ्लावर में ये तीनों काफ़ी अच्छे रेगुलर और डिमांडेड, मोस्ट डिमांडेड फ्रेगरेंस होती हैं। जिस भी कस्टमर्स का ऑर्डर्स होते हैं उसमें फ्लावर नोट कोई ना कोई होता ही, चाहे रोज ले लो, मोगरा ले लो, चंपा, केवड़ा, रजनीगंधा, वो होना जरूरी है, बाकी कुछ हो चाहे ना हो ऑर्डर में। तो ये भी हमने एवरेज 50% डीप कर लिया। अब थोड़ा सा इसके सैंपल टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। तो भाई ये है हमारे पास चंपा। चंपा एक्चुअल में जो चंपा का फ्रेगनेंस लोगों की एक दिलचस्पी बने होती है कि भाई चंपा मतलब एक मैं कहना चाहूँ तो फ्लावर में एक अच्छा नाम, एक ऐसा नाम जो कि थोड़े से अलग फ्रेगनेंस में काफ़ी अलग, बहुत अच्छा इसमें चंपा का बेस फ्लावर का टोन देखने को मिलेंगी, फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छा आएगा, एग्जैक्ट जो है चंपा का रियल टोन देखने को मिलेगा। ये नहीं कि चंपा के साथ आजकल एल्डिहाइड्स में काफ़ी सारे ये हो चुके हैं कि चंपा को थोड़ा सा लाइट कर दिया गया है या फिर डार्क कर गया या फिर इतना उनके फ्रेगनेंस को लास्टिंग देने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए और न जाने क्या क्या चीज़ें मिला देते हैं। होता क्या है वो फ्रेगनेंस चंपा से हट के कोई दूसरा चीज़ें बन जाती हैं, तो एक्चुअल में वो चंपा फिर फ्लावर नहीं रह जाता, फ्लावर फ्रेगनेंस नहीं रह जाता। तो यही है कि अगर बेस्ट आपको फ्रेगनेंस की च्वाइसेस चाहिए फ्लावर नोट में तो वो चीज़ें समझिए कि एक्चुअल में जो फ्लावर का टोन है या फिर फ्लावर बेस फ्लावर से जो सुगंध निकल के आती है वो क्या आपके परफ्यूम में है या फिर नहीं, जो कि हमारे किसी भी फ्लावर नोट में आप देखेंगे तो जो फ्रेगनेंस आप उठाओगे और उसे फ्रेगनेंस फ्लावर से मैच करोगे तो मैच खाएगा ही खाएगा, कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज वो चीज़ें थोड़ी सी हट जाती हैं, बट 80-90% तक आपका फ्लावर से मैच करेगा, जो कि हमारे बेस्ट फ्लावर के नोट्स हैं। चाहे पीछे मैं प्रीमियम सेगमेंट में नागचंपा की बात करूं, वाइट रोज की मैं बात करूं, लिली फूल, तो ये है भाई चंपा। सजेस्ट करूंगा मैं इसके रेशियो को 1:3:4 में आप प्रीमियम क्वालिटी बना सकते हो। पिछले अभी जस्ट मैंने बोली, अगर आप आपका मोटिव ये है कि नहीं यार हमें थोड़ा सा मीडियम रेंज में हमें चाहिए या फिर उससे लूजेज अगरबत्ती जो चलते हैं उसमें अगर यूज़ करना है तो आप किसी भी रेशियो में आप तोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होगी। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा बेस्ट चंपा ब्लैक व्हाइट दोनों में परफॉर्मेंस करेगा 1:3:4 का रेशियो। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये है भाई हमारे पास केवड़ा। ये इसके ग्राफिक्स भी काफ़ी यूनिक आपको देखने को मिलेंगी। और रही बात इसके सैंपल्स की फ्रेगनेंस टेस्ट की, तो उसके बारे में अभी थोड़ा सा ये डीपिंग प्रोसेस करके हम समझ लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ये जो फ्रेगनेंस है ये हो गया है डीप। केवड़ा मीन्स केवड़े में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एज अ लाइट केवड़ा हो जाता है, मराठा केवड़ा हो जाता है, या एग्जॉटिक केवड़ा भी लोग आजकल डिमांड करने लग गए हैं। मतलब ऐसा हो गया कि हर एक फ्लावर में आपको 3-4-5 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो कि कई मायने में ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं क्योंकि लोगों को समय के साथ जो है चेंज होना पड़ता है, उसी के साथ हमें फ्रेगनेंस में भी चेंजेस लानी चाहिए। बट एग्जैक्ट टाइम में हमारा रियल केवड़ा का टोन इसमें देखने को मिलेगी। नोट्स की ही हम बात कर लेते हैं। केवड़ा मतलब कड़क, मतलब फ्रेगनेंस जो है जब आप इसे तैयार करते हैं तो ये अगरबत्ती जलने के बाद तो खुशबू बाद में आएगी, बट जब प्रोसेस में ही इसके फ्रेगनेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं। तो ये नाम में भी केवड़ा मतलब फ्लावर की सबसे कड़क परफ्यूम। कई लोग केवड़े को पसंद नहीं करते, मतलब अरे ये चीज़ें भाई क्या जला रहे हो आप, थोड़ा साइड करो, मतलब उनको ना एग्जैक्ट नहीं करता उसका सिस्टम, मतलब दिमाग ब्रेन ये जो है काम करना ही बंद कर देता है कि भाई केवड़ा हटाओ हटाओ यहाँ से। कड़क चीज़ें अपने को पसंद ही नहीं, अपने को स्वीट चाहिए, मीठा चाहिए,
या फिर ऐसा नोट्स हो जो कि हमें फील करे कि हाँ फ्रेग्रेंस है। बट ये लोगों की चॉइसेस होती हैं कि किसी को अच्छे और कड़क नोट पसंद होते हैं और किसी को जो है स्वीट्स स्वीट टाइप के मतलब मीठी खुशबू पसंद होती हैं, तो ये लोगों का चॉइस होता है। बट केवड़ा में कड़कपन तो है, इसमें आपको कड़क नज़र आएगी और ये आपके अगरबत्ती में भी कड़क चमकदार चमचमकती हुई फ्रेग्रेंस भी छोड़ेगा, इसकी गारंटी है। और फ्लावर में और नोट्स के बारे में भी मैं क्या बताऊं, जब चीज़ें ही कड़क है तो फिर सारे चीज़ें इसके कड़क ही निकलेंगी। परफॉर्मेंस रेशियो की मैं बात करूं तो 1:3:4 का बेस्ट रेशियो इसमें से आप दे सकते हैं। सो फिर ये हो गया हमारे इस कड़कते परफ्यूम्स के रिव्यूज, जिसमें मैंने ओपनली सारी चीजें आपके सामने रखी। अब बात आती है कि इसे हम किस सेगमेंट में यूज करें। देखो अभी का टाइम है ब्रांडिंग और नॉन ब्रांडिंग, दोनों तरीके से लोग चलते हैं। जिसके बजट में जो इसके फ्रेग्रेंस का एक्सपीरियंस या ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी है उनकी, या फिर वर्किंग प्रोसेस काफ़ी अच्छा है, तो ब्रांडिंग में भी लोग काम करते हैं। और एज अ हम ये चाहते हैं कि भाई जो हमारे मिडिल सेगमेंट या फिर छोटे व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं जो कि अगरबत्ती में है, सो फिर उनको भी साथ क्यों ना लिया जाए। इसलिए हमने इस फ्रेग्रेंस को अंडर 1000 बजट के अंदर ही रखे हैं। ये फ्रेग्रेंस आपको 800-900 और 1000 तक के रेंज में मिल जाएंगे, एज अ डिस्काउंटेड प्राइजेस भी इसमें से आपको मिल जाएंगी। आप किसी भी तरीके के पाउचेस पैकेजिंग में आप यूज़ करना चाहो, सपोज ये फ्लावर जीपर पैकिंग जो चल रही है, या फिर बॉक्स के पैकिंग होते हैं, या फिर मैं कहना चाहूँ तो कुछ ऐसे जो कि छोटे पाउचेस होते हैं जो कि गाँव विलेज सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में बने होते हैं, उस टाइप की पैकिंग के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बेस्ट ब्रांडिंग का काम है, आप चाहते हो कि नहीं यार हमारा चीज़ जो है अच्छा और बेटर क्वालिटी में बने और बेस्ट परफॉर्मेंस दे कि कोई स्मेल करे तो भाई लगे उनको भी ये रजनीगंधा सही है, चंपा सही है या फिर केवड़ा सही है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपके जिस तरीके का आपका काम है उस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगरबत्ती परफ्यूम से रिलेटेड किसी भी इंक्वायरीज के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।